एक सोच है जो यहां पर आपको लगानी थी और उस सोच से ये क्वेश्चन हुआ। ये वही सोच है जो एक नाविक के बेटे को एपीजे द ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम बनाती है। ये वही सोच है बच्चों जो एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले को इस एशिया का सबसे अमीर आदमी बनाती है। ये वही सोच है जो आपको IIT तक लेकर जाएगी 100%। ये वही सोच है जो थॉमस अल्वा एडिसन से बल्ब बनवाती है। अब सोच कोई पैदाइशी नहीं होती है, सोच को डेवलप करना पड़ता है। सोच डेवलप होती है हार्ड वर्क से, कोई सोच अपने साथ लेकर पैदा नहीं होता। जिस तरीके की आप एक्टिविटीज करेंगे उसी तरीके से आपकी सोच डेवलप होगी। तो आज की कहानी स्टार्ट होगी इस क्वेश्चन के साथ, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। क्या आपने इस टाइप का कभी कोई क्वेश्चन देखा है? और अगर देखा है तो आपने कभी हिम्मत की है कि हम भी इसको सॉल्व करें? और अगर सॉल्व करने की कोशिश करी भी है तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम इसको कम से कम टाइप में करें, एक मिनट के टाइम में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें? क्या है इस टाइप के क्वेश्चन का राज? या आप भी उन बच्चों में से हैं जिनको कैलकुलस के नाम पर डराया गया है कि कैलकुलस बहुत मुश्किल है, कैलकुलस आम बच्चों का काम नहीं है, आप IIT नहीं कर पाओगे, आप NDA क्रैक नहीं कर पाओगे? तो आज की कहानी होगी यहीं से स्टार्ट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई फरमान मलिक, आई वेलकम यू इन माय चैनल FM मैथमेटिक्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, जो आपके लिए होने वाला है बहुत आसान। चुटकी में आप करेंगे इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन। तो चलिए आज का ये अमेजिंग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है IIT एंड NDA एस्पायरेंट के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये रहा वो सवाल कि y=1/x + 1/x + 1/x, ये सीरीज कंटिन्यूअस है इनफाइनाइट तक। अब करें क्या, कैसे सॉल्व करें? अगर मैं आपसे कहूं ये क्वेश्चन एक मिनट में हो सकता है तो हाँ, यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यहां पे आपको लगानी है एक सोच। अब मुझे एक बात बताइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको छुपा लेता हूं, वन और एक्स को। क्या सवाल में कोई कमी आती हुई आपको दिखाई दे रही है? ध्यान से सुनना है बच्चों, एक मिनट का पेशेंस रखना है, सवाल करने में सिर्फ एक मिनट लगेगा। अगर मैं इस 1 और इस x को छुपा लूं अपने हाथ से, तो अभी भी क्या क्वेश्चन में कोई चेंज आया? 1/x + 1/x + 1/x अभी भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर मैं कहूं इनफाइनाइट में से मैं 1 माइनस कर दूं या एक टर्म में छुपा लूं, तो आंसर कितना आएगा? इनफाइनाइट अनगिनत है, जहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते प्यारे बच्चों, जहां पहुंच ही नहीं सकते उसमें से 1 माइनस कैसे करोगे? 1 माइनस करने के बाद क्या एक गिनती कम कर लोगे तो क्या वो गिनना जाने लगेगा? तब भी आप उसको नहीं गिन पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। तो इनफाइनाइट में से -1 + 1 × (divide) करने पर आंसर इनफाइनाइट ही आता है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा था, ये सारी वैल्यू बच्चों, ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है? देन यू विल से सर इट इज इक्वल टू y। यस, बस इतना ही आपको सोचना है इसमें, ये वैल्यू y के इक्वल है। अब मैंने ये एक टर्म छुपा लिया, तो अब कौन सी कमी आ गई इसमें? 1/x + 1/x + 1/x + 1/x, तो एक टर्म ही तो छुपा है, तो अभी भी तो वैल्यू ये y के इक्वल है, यानी कि इस इनफाइनाइट को हटाना था। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/x + अब मैंने क्या किया, इसको बस यहां पर कर दिया, ये जो मैंने आपका एरिया यहां पर बनाया था इसको यहां पर कर दिया, तो है तो उसी के इक्वल जो मैंने पूरा एरिया इंक्लोज किया था, क्योंकि इनफाइनाइट में से एक टर्म हटा लो रहेंगे तो उतने ही टर्म, कोई कमी नहीं आई, और ये पूरी वैल्यू थी वाई के इक्वल, तो यहां पे हो गया x + y। बस इतना सा काम करना था। चलिए करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, तो वाई की मल्टीप्लाई x + y से करेंगे तो क्या आएगा सर? xy आएगा, और सर y² आएगा = 1। बस अब लगाइए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है तो आपको लिख देना है डिफरेंशिएशन, चाहे लिखें चाहे ना लिखें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर हैं बच्चों आपके दो फंक्शन, तो आपका लगेगा यहां पर प्रोडक्ट रूल। उम्मीद करता हूं प्रोडक्ट रूल आपको आता होगा, भाई पहले को छोड़ दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx, फिर y को छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, अब y² का, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, तो ये हो जाएगा 2y। बट हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक्स की जगह कुछ और आता है, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग उसका करते हैं दोबारा डिफरेंशिएशन, तो वाई का डिफरेंशिएशन फिर से किया आया dy/dx, बिल्कुल करेक्ट, और इक्वल टू है 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब यहां से बच्चों साफ दिखाई दे रहा है हमें चाहिए था dy/dx, तो यहां से dy/dx ले लो कॉमन, तो इस प्लेस का हम यूज करेंगे, dy/dx हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो यहां क्या बचा, इधर बच रहा है x, ठीक है, और इधर बच रहा है बेटा आपका 2y। अब ये जो आपका प्लस y था ये जाएगा उधर माइनस में, बात हो गई खत्म।
तो डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू थी वो आ गई माइनस का वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन सी ऐसी चीज थी जो इसमें समझ नहीं आई और कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें मुश्किल है। बस बात है तो सिर्फ एक सोच की, एक सोच है जो यहां पर आपको लगानी थी और उस सोच से ये क्वेश्चन हुआ। ये वही सोच है जो एक नाविक के बेटे को एपीजे द ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम बनाती है। ये वही सोच है बच्चों जो एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले को इस एशिया का सबसे अमीर आदमी बनाती है उसके बेटे को। लाइक आप एग्जांपल समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये वही सोच है जो आपको आईआईटी तक लेकर जाएगी 100%। बस आपको थोड़ा सा ही सोचना है। ये वही सोच है जो थॉमस अल्वा एडिसन से बल्ब बनवाती है। ये वही सोच है बच्चों जो राइट ब्रदर से हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन जो भी आप कहिए उड़ने की एक ऐसी चीज बनवाती है जिससे आज दुनिया उड़ रही है। वो आइडिया, वो सोच आपको भी लानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी अगर इस तरीके से आप थोड़ा सोचेंगे। अब सोच कोई पैदाइशी नहीं होती है, सोच को डेवलप करना पड़ता है। सोच डेवलप होती है हार्ड वर्क से, कोई सोच अपने साथ लेके पैदा नहीं होता। जिस तरीके की आप एक्टिविटीज करेंगे उसी तरीके से आपकी सोच डेवलप होगी। तो मेहनत के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपको है पढ़ना, आपकी सोच डेवलप हो जाएगी। और जब डेवलप हो जाएगी तो आईआईटी और एनडीए में जाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर टू। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर टू। मैंने क्या कहा था, बात है तो सिर्फ एक सोच की। क्वेश्चन कभी मुश्किल कोई आसान नहीं होता, बात है सोच की। सोच आसान बनाती है और सोच मुश्किल करती है। क्या तरीका बताया था, एक टर्म को छुपा लो। तो टर्म में कोई कमी नहीं आई। जब ये पूरा वाई के इक्वल था तो एक टर्म को छुपाने पर भी क्या होगा, सीधे बोलो, जल्दी बोलो, वाई के इक्वल ही तो होगा। तो टेंशन किस बात की है, साइन एक्स लिखो। अब ये पूरी वैल्यू वाई के इक्वल होगी तो इन्फेनाइट का साइन भी हो गया। खल्लास जो कर रहा था परेशान। सीधी सी बात है, एक सोच की बात है। अब सोच हो जाएगी इस लेक्चर को देखने के बाद आपकी डेवलप। फिर ये इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन ऐसे होंगे चुटकियों में। देखो अब क्या करना है, रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए बचपन से एक काम करते आ रहे हो। क्या काम करते आ रहे हो जल्दी बताओ, बताओ बताओ। हाँ सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। अब बच्चे बड़े हो, कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं जो फीडर पी रहे हो, तो इसलिए हमने कर दिया स्क्वायर। करके नहीं दिखाएंगे ना लिखेंगे कि हाँ अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड बच्चों की तरह लिखते जा रहे हैं। तो ये हो गया सर साइन एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं, ये भी लिखेंगे नहीं समझ जाओगे आप। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर का क्या आया टू वाई, वाई का अगेन करा तो डी वाई ओवर डी एक्स, बिल्कुल सही है। साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, और वाई का फिर से डी वाई ओवर डी एक्स। अब सर बन गया दो बार डी वाई ओवर डी एक्स क्या करे, तो बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं हो, कहा था ना डी वाई ओवर डी एक्स को इधर लाओ, कॉमन लो। चलो भाई जल्दी करो इतना काम, टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस डी वाई ओवर डी एक्स, क्या बच रहा है इक्वल में, सर इक्वल में बच रहा है कॉस एक्स, बिल्कुल सही कर रहे हो। डी वाई ओवर डी एक्स ले लिया कॉमन, क्या बचा टू वाई माइनस वन इक्वल टू कॉस एक्स, कहा था ना चुटकियों में होगा सवाल। अगर आ रहा है लेक्चर में मजा और लग रहा है कि आपकी हेल्प हो रही है, इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन वाकई मैंने आसान करे हैं आपके लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो जिनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। लीजिए अरे मजाक मजाक में आगे आपका आंसर, बस एक सोच, बस एक सोच, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर थ्री। अब उससे पहले इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो यहां पर cos x plus cos x plus cos x हो, tan x plus tan x plus tan x हो, मैंने कहा था सोच डेवलप करनी है। अब इस सीरीज के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चों की तरह एक एक क्वेश्चन हाथ पकड़ के नहीं करवाऊंगा, ठीक है। चलो अब दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर थ्री किस टाइप का आ सकता है। तो माय डियर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थ्री, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे y इक्वल टू x की पावर x और ये पावर जा रही है इनफाइनाइट तक। अब क्या होगा, किसी वेरिएबल की पावर सेम रिपीट होती जाएगी, जैसे साइन की पावर भी साइन x हो सकती है, कॉस की पावर भी cos x हो सकती है। तो एक ट्रिग्नोमेट्री वाला भी करा देंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन ये करते हैं, क्या करना है, एक x को छुपा लो। क्या कोई x में कमी आई, सर कोई कमी नहीं आई, ये पूरी वैल्यू y के इक्वल थी। तो भाई ये पूरी वैल्यू y के इक्वल क्यों नहीं होगी, बस एक सोच जो बदलेगी आपकी दुनिया, ठीक है। अब जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाती है, मुझे मालूम नहीं कि आपको पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है, मैं यहीं पे एक गुरु मंत्र दे देता हूं आपको। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाए दोनों साइड लॉग ले लेना, रटने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर समझ नहीं आता कि लॉग कहां लिया जाए। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाए, फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाए, अभी एक्स की पावर टू होता आप क्या करते, सर एक्स की पावर एन का रूल लगा लेते और उसका जो डिफरेंशिएशन आता वो टू एक्स हो जाता, ठीक है ना, मतलब टू एक्स की पावर टू माइनस वन हो जाता सर, लेकिन समझ नहीं आता कि लॉग। कुछ बच्चे इसमें भी ये लगाते थे, मैंने देखा है पढ़ाते हुए, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, वाई इधर ले लेंगे, एक्स की पावर वाई माइनस वन, सर हो गया। फिर सर पकड़ के बैठे हुए, सर ये गलत कैसे हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं इस पढ़ाई का, सर कोई चीज बदल जाती है, कुछ कहीं कहीं हो जाता है, कुछ कहीं हो जाता है, कुछ समझ गए। तो कुछ गड़बड़ नहीं होती, आपने सही से नहीं पढ़ा है,
जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाए, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाए, लॉग ले लेना, खत्म। चलो ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग वाई इधर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर वाई, छोटे बच्चे नहीं हो कि लॉग एम की पावर एन इक्वल टू एम लॉग एन होता है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, वाई इधर आ जाएगा, वाई लॉग एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये है कॉम्पिटिशन, यहाँ पे तेज नहीं दौड़ोगे तो दूसरा तुम्हें कुचल के निकल जाएगा अगर तेज नहीं दौड़ोगे, ठीक है, तो तेज दौड़ना पड़ेगा भाई साहब आपको। चलो ठीक, अब आगे लगाओ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का क्या हो गया, वन अपॉन वाई, फिर क्या कहा था आप कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, चलो लिख दे रहा हूँ डिफरेंशिएशन विद, चलो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो जैसा लिखा गया वैसे लिख दो शॉर्ट में, तो log y का 1 अपॉन y होता है, log x का बेशक 1 अपॉन x होता है, बट यहाँ पे y है तो इसका दोबारा करना पड़ेगा dy वाई ओवर डी एक्स, यहाँ लगाओ प्रोडक्ट रूल, बिल्कुल लगाओ प्रोडक्ट रूल, y इंटू में log x का करोगे 1 अपॉन x आएगा, फिर log x को छोड़ोगे इंटू में y का करोगे तो साहब dy वाई ओवर डी एक्स आएगा, क्या कहा था dy वाई ओवर डी एक्स वाले एक तरफ कर लो, सारे टर्म एक तरफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 अपॉन y dy वाई ओवर डी एक्स माइनस का log x और साथ में आ रहा है अपना dy वाई ओवर डी एक्स, इधर क्या बच रहा है गुरुजी, y अपॉन x बच रहा है, ठीक है बिल्कुल। चलो क्वेश्चन से थोड़ा सा स्पेस खाली कर देते हैं, हाँ इतने में काम हो जाएगा, dy वाई ओवर डी एक्स ले लो कॉमन, जल्दी करो, dy वाई ओवर डी एक्स ले लिया कॉमन, क्या बचा सर, बचा 1 अपॉन y माइनस का log x, बिल्कुल सही है, इधर क्या बचा, इधर बचा y अपॉन x, अब इसका अगर आप LCM लोगे भी, हालांकि मैं डायरेक्ट लिख देता बट फिर कहोगे समझ नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई, बिल्कुल सही जा रहे हो, वाई अपॉन एक्स, अब सीधे सीधे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, बस यहाँ लिख दो डी वाई ओवर डी एक्स, वाई जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, तो बेटा ये हो गया वाई स्क्वायर, ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा नीचे, तो एक्स और क्या है 1 माइनस वाई लॉग एक्स, इसी टाइप का आपका अगर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन दिया होगा, धड़ कर डालो, सोचो मत, सोचना सिर्फ यहाँ पर पड़ेगा, तो अब मैं समझता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, और कैसा क्वेश्चन आ सकता है इनफाइनाइट सीरीज पे बिना टाइम वेस्ट किए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फोर, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये है क्वेश्चन नंबर फोर, जिसमें y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x, फिर उसके प्लस में e की पावर x, जैसा कि आप देख रहे हैं थम ही नहीं रहा है ये, कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, और कहां तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, क्या लगाना है, एक सोच लगानी है, वो सोच अब आपकी डेवलप हो गई है, e की पावर x, अगर इतना टर्म छुपा लें क्वेश्चन में कोई कमी नहीं आई, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा था और ये पूरा क्या बन गया y, ये चीज ही तो है जो सेम है, एक ही टर्म तो हटा रहे हैं, यही तो सिखाया है, यही तो सोच डेवलप करनी है, बस हो गया खल्लास खत्म, तो क्या करोगे अब, क्या करोगे जल्दी से बताओ क्या करोगे, तो y जल्दी से देखो, y अभी क्या बताया था, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाए e और उसके ऊपर है x प्लस y, ठीक है, तो वेरिएबल की पावर जब वेरिएबल हो जाए तो क्या लेना है, लॉग लेना है, बट e अगर देखें तो e एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है लगभग 2.718 इस तरीके से चलता है, बट ये कहां से आया, क्यों आया, उसकी बात कभी और होगी, किसी लेक्चर में होगी, तो अभी इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें भी लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बच्चों, तो ये क्या बनेगा, लॉग वाई बनेगा, और अगर आप इधर लॉग ले लोगे तो ये बनेगा लॉग ई की पावर, ये नेचुरल लॉग है, यहाँ भी लॉग बेस ई है ना, तो ये हो गया ई की पावर एक्स प्लस वाई, अब लॉग एम की पावर एन आप जानते हो, छोटे बच्चे नहीं हो, तो लॉग एम की पावर एन होती है एन लॉग एम, यानी कि एक्स प्लस वाई हो गया, और ये हो गया लॉग बेस ई, वैसे डायरेक्ट भी हो जाता क्वेश्चन, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, ई की पावर एक्स और ई की पावर वाई, ठीक है, आप प्रोडक्ट रूल लगा देते, लेकिन उससे आसान हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएंगे, कहीं कोई बच्चा क्रॉस क्वेश्चन करे कि सर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगाया, तो ये आसान बनाने के लिए क्या है, प्रोडक्ट रूल से आ रहा है, प्रोडक्ट रूल से कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, लॉग बेस ई और ये ही। अब एक फैक्ट और है कि लॉग अगर ये और ये सेम हो जाए, बेस और वैल्यू सेम हो जाए, तो इसका आंसर होता है हमेशा वन, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता, वो भी बताएंगे जिस दिन लॉग की प्रॉपर्टी पे लेक्चर आएगा, उस दिन बताया जाएगा, ठीक है, तो अब ये हो गया लॉग बेस ई, ये हो गया वन, तो सीधा सीधा लॉग वाई की वैल्यू क्या हो गई, तो लॉग वाई की वैल्यू हो गई एक्स प्लस वाई, खत्म, इसलिए बनाया था, सिंपल बन गया, लगाओ डिफरेंशिएशन, तो लॉग वाई का हो गया 1 अपॉन वाई, और अगेन करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, फिर एक्स का हो गया 1 और वाई का करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स को इधर ले आओ जल्दी से कॉमन में, डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका बचेगा 1 अपॉन वाई और उसका बचेगा 1 माइनस का, और इधर है 1, एलसीएम जब ले लोगे ना लल्ला, एलसीएम ले लोगे तो ये क्या बचेगा 1 माइनस का वाई, जो कि जाएगा डिवाइड में, इतना काम खुद समझो कैसे आया ये, और ये है वाई, सोच लगाओ, बस खत्म, आंसर आ गया खल्लास, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर मज़ा तो आ रहा है समझ में, एकदम एनर्जी वाली पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल जल्दी से आइए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और आज का आखिरी क्वेश्चन। अब ये 5 क्वेश्चन से आपका पूरा कॉन्सेप्ट इनफाइनाइट सीरीज का क्लियर हो सकता है। तो ठीक है, इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि दिख रहा है, फिर से बोलूंगा वही सोच, एक साइन को छुपा लो। तो इसमें क्या कमी आ गई, ये भी तो वाई के इक्वल ही होगा जब ये पूरा वाई के इक्वल है। तो क्या हो गया साहब, ये हो गया साइन एक्स की पावर वाई। कहा था जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाए, फंक्शन और पावर में भी एक फंक्शन हो, दोनों साइड लॉग लगा देना। तो बच्चों ये बन जाएगा लॉग वाई, ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स की पावर वाई, और लॉग एम टू दी पावर एन होता है एन लॉग एम, तो यहां डायरेक्ट लिख दे रहे वाई। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दें। चलो लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हो गया, लॉग वाई का करोगे 1/y और अगेन वाई का होगा डी वाई ओवर डी एक्स। यहां क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल, वाई को छोड़ दीजिए, लॉग साइन एक्स का करोगे भाई, लॉग एक्स का 1/x होता है, लेकिन लॉग एक्स का होता है, एक्स की जगह क्या आ रहा है साइन एक्स। मैं हमेशा बोलता हूं तरीका ये है, एक्स की जगह अगर कुछ और आ जाए दोबारा कर दो, चाहे भले ही वो रूट एक्स। ठीक, तो 1/sin x, साइन एक्स का दोबारा करोगे क्या आएगा सर, कॉस एक्स आएगा। बिल्कुल सही है, कॉस एक्स आएगा। बात खत्म हो गई, इसका काम खत्म हो गया। प्लस अब लॉग साइन एक्स को छोड़ दो, तो लॉग साइन एक्स को छोड़ दिए, वाई का करोगे क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। बिल्कुल सही, बस एक स्टेप दूर है अब हम अपने आंसर से। तो डी वाई ओवर डी एक्स, ध्यान दीजिएगा, डी इसको इधर लाइए और डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लीजिए, तो 1/y इसका एज इट इज रहेगा माइनस, और इसका जो आएगा ये लॉग साइन एक्स माइनस में आ जाएगा। थोड़े से बड़े बन जाओ भाई, फीडर दूध की बोतल छोड़ दो अब, है ना, ट्वेल्थ में आ चुके हो या ट्वेल्थ कर चुके हो। एनीवेज ये हो गया y cos upon sin x, क्या होता है cos upon sin x, cot x होता है सर। LCM लो, इसको पहुंचा दो डिवाइड में, हो गया काम खत्म। क्वेश्चन को एक काम कर दें, क्वेश्चन को इरेज कर दें, बिकॉज हमको चाहिए स्पेस। तो dy ओवर dx की वैल्यू आ गई बच्चों, क्या आ गई, इसके से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 1 - y log sin x, और ये आएगा डिवाइड में, और ये अपॉन में जो y था वो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर cot x। ये हो गया आपका आंसर। तो ये थे क्वेश्चन, और अगर आप गलती से, जो भी बच्चे एंड तक गलती से वीडियो को देख लिए, क्योंकि कुछ आजकल सब्र तो किसी को है नहीं, ठीक है ना बात, सबको एक मिनट में हीरो बनना है, सबको जादू देखना है, तो जादू नाम की कोई चीज नहीं होती, इतनी बात याद रखो। बल्ब का इन्वेंशन भी 11 से ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट में हुआ था, लेकिन आज की जनरेशन को चाहिए जादू कि एक मिनट में कुछ ऐसा करो, पूरी कैलकुलस सिखा दो। तो हमारे पास कोई टॉनिक, कोई मेडिकल की गोली, कोई जूस, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों हमारे पास, जो हम आपको एक मिनट में कुछ पढ़ा दें। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा लेक्चर पेशेंस के साथ और ध्यान से, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो अगर जो बच्चे गलती से यहां तक पहुंच गए, एंड तक पूरा वीडियो देख लिए, तो यार इतनी मेहनत करिए, लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बहुत जल्दी ऐसे ही किसी फैक्ट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।